Now, after solving problem number 28, now let's start solving problem number 29. जरा बड़े ध्यान से problem statement को पढ़ेंगे. A block of mass 2 kg is pushed against rough vertical wall with force of 40 newton. This is a rough vertical wall. Or block of mass 2 kg. This is a block of mass 2 kg. यह 2 kg block है. With a against a rough vertical with a force of 40 newton. इस पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, लाइक दिस. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5. अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल. अब ये फोर्स कैसे लगाया जा रहा है? यह फोर्स हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट द वॉल है, दूसरा पैरेलल टू वॉल, मतलब ऐसे इस तरह से मैं इस फोर्स को ऐसे लगता हुआ दिखाऊंगा. दिस पैरेलल टू वॉल, दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 15 न्यूटन. आप इसे इधर क्रॉस, जैसे कि एक एरो अंदर की तरफ जा रहा, ऐसे भी दिखा सकते हैं. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall. देखिए, वहां पर ब्लॉक का एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg. मैं इस सिचुएशन को, अभी तो मैंने वर्टिकल वॉल ऐसे दिखाई है, ब्लॉक ऐसे और ऐसे इस तरह से दिखाया. मैं एक और तरीके से दिखाता हूं कि मान लीजिए वर्टिकल वॉल तो ये बोर्ड है, वर्टिकल वॉल यह बोर्ड है और यह इसके ऊपर यह ब्लॉक है. दिस इज द ब्लॉक. जैसे यह ब्लॉक, यह एक ब्लॉक और मैंने इसे बोर्ड पर ऐसे रखा और इस तरीके से दबा रहा हूं, इस तरीके से दबा रहा हूं 40 न्यूटन फोर्स से, जिससे कि गिरे नहीं, गिरने से प्रिवेंट करने के लिए ऐसे दबा रहा हूं. यह ब्लॉक और इस ब्लॉक पर 40 न्यूटन फोर्स, बोर्ड के अंदर की तरफ जो फोर्स है उसको मैं क्रॉस लगा के दिखा देता हूं. क्रॉस लगा के दिखाने से क्या मतलब है? जैसे कि एरो जब अंदर की तरफ जाता है, एरो जब अंदर की तरफ जाता है तो उसकी पूंछ पीछे ऐसे क्रॉस के फॉर्म में दिखेगी. यह 40 न्यूटन फोर्स. अब इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन, इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन इस तरह से, this is horizontal force of 15 newton. Beside it there would be a vertical downward force which we'll call it gravitational force mg or 20 newton. मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को इस तरीके से एरो को आगे की तरफ ट्रांसपोज करके दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा. हॉरिजॉन्टल फोर्स जो मुझको दिखाना है मैं उसे इस तरीके से दिखाता हूं. यह हॉरिजॉन्टल फोर्स है 20 न्यूटन. यह ब्लॉक के अंदर लगने वाला फोर्स और यह वह ब्लॉक. हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 15 न्यूटन सीम्स नो,
15 न्यूटन है। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स एफ, दिस रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश कहता हूं, दिस एफ, यह एफ है, और रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश वुड बी अंडर रूट ऑफ 20² + 15² और एफ डैश इज 5 कॉमन 25 न्यूटन। अब हम कहते हैं इस ब्लॉक की इस डायरेक्शन में मूव होने की टेंडेंसी होगी, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 15 न्यूटन की वजह से और एक ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन की वजह से, इन दोनों के रिजल्टेंट यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। मगर इस ब्लॉक को आप इस डायरेक्शन में मूव होने से रोकना चाहते हो कैसे, इस तरह से आपने एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया वॉल के परपेंडिकुलर, तो हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन वुड बी 40 न्यूटन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी म्यू इंटू एन, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एन, म्यू इज 0.5 इंटू 40 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, एंड ऑब्जर्व दैट दिस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन एफ डैश। सिंस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस व्हाइल ड्रैगिंग फोर्स इज मोर, हियर ड्रैगिंग फोर्स एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ आर मैक्स, and hence the block would move in the direction of f dash. क्या यही पूछा है, जरा देखिए हम एक बार, in which direction, if yes, if no, find the frictional force exerted, would move in the direction of f dash. और यह एफ डैश का एंगल थीटा है, वेयर दिस थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ 15/20 और टैन इनवर्स ऑफ 3/4, इस डायरेक्शन में वर्टिकल से इस डायरेक्शन में यह ब्लॉक मूव करने लगेगा, एंड दिस 29 प्रॉब्लम, बड़े ध्यान से प्रॉब्लम की सिचुएशन को देखें, किस तरह से सोचा गया है, सॉल्व करा गया है, यह बात को देखें, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 30th प्रॉब्लम। अ पर्सन 40 kg इज मैनेजिंग टू बी अट्रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल बाय प्रेसिंग वन वॉल ए बाय हिज हैंड एंड फिट एंड अदर वॉल बी बाय हिज बैक। हम फिगर देख ले ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पर्सन दो वॉल के बीच में है और वो क्या करता है, इन दोनों वॉल के बीच में अपने आप को इस तरीके से
मैनेज करता है कि वह एक तरफ तो अपने पीछे बैक से प्रेस करता है और दूसरी तरफ अपने हाथ और पांव से प्रेस करता है। सॉरी, नाउ assume that friction coefficient between his body and wall is 0.8. Coefficient of friction is 0.8. Limiting friction at all the contact, find the so that the person pushes the two wall with equal force, find the normal reaction exerted by the wall on each person on the wall by the wall on the person. Take GS10 now. It's a simple problem in fact. Hum sirf is person ka free body diagram banate hain. सिर्फ हम इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यह पर्सन इस वॉल को पीछे किसी फोर्स एन से पुश कर रहा है तो यह वॉल भी इस पर्सन को एन से ही पुश करेगी और यह पर्सन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब आगे वाली वॉल हाथ और पांव दोनों तरफ मिलाकर यह फोर्स एन ही रहेगा टोटल। अब वर्टिकल डायरेक्शन में वेट एमजी इधर म्यू एन और इस जगह पर टोटल फोर्स म्यू एन ही होना होगा और हम कहेंगे टू टाइम्स म्यू एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी और एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाय 2 म्यू। आई होप यही पूछा गया है सर। अ पर्सन 40 केजी इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल बाय प्रेसिंग वन वॉल ए बाय हिज हैंड एंड फिट एंड अदर वॉल बी बाय हिज बैक। अस्यूम दैट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन वॉल इज पॉइंटेड लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट इन ऑल सो दैट पर्सन पुशेस द टू वॉल बाय इक्वल फोर्स पर्सन इक्वल फोर्स से दोनों वॉल को पुश करेगा। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय आइदर वॉल ऑन द पर्सन। दिस इज द नॉर्मल फोर्स M की जगह पर 40, G की जगह पर 10, 2 into 0.8. Solve it, get the answer. जरा बड़े ध्यान से देखें। हम कहेंगे कि यह पर्सन रेस्ट पर है तो जितना फोर्स यह पर्सन इस वॉल पर लगा रहा है इस वॉल पर फोर्स N इस तरह से उतना ही फोर्स वॉल इस पर्सन पर लगाएगी और उतना ही फोर्स यह पर्सन भी दूसरी वॉल पर एन लगाएगा और यह वॉल भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। सो द फोर्स ऑन द टू वॉल वुड बी इक्वल इन अपोजिट बाय द पर्सन और यह नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी निकाल दिया। अब एचसीवी का लास्ट प्रॉब्लम 31st प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं और इसी के साथ एचसीवी से फ्रिक्शन का डिस्कशन फिनिश हो जाएगा। फिर जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है मैं उसमें से आपके डाउट डिस्कस करूंगा। 31st प्रॉब्लम रीड करना चालू कर दीजिए जरा। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एचसीवी 31st प्रॉब्लम फिगर 6E12। मैं पहले फिगर बना लेता हूं। इस तरह से कोई बड़ा ब्लॉक दे रखा है, मास m है, इट्स मास इज m। इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक दे रखा है, इट्स मास इज स्मॉल m और यह लेंथ L इंडिकेट कर रखी है।
figure show a small block of M kept at the left end of larger block of mass M and length L. ये चीज़ हम उसको figures में देख रही है. The system can slide on horizontal road. यह system horizontal road पे slide कर सकता है. The system had started moving toward right with velocity v. यह पूरा system v velocity से move करना start कर देता है. The friction coefficient between road and bigger block is mu. Road और bigger block के बीच में friction coefficient mu है. And between the block is mu by 2. And between this block is mu by 2. इसका मतलब इधर हमको ध्यान से बात समझनी पड़ेगी कि road और बड़े block के बीच में friction ज्यादा है. इसका मतलब जो बड़ा block है इधर mu है, इधर mu by 2. दोनों ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है. इसका मतलब ये ब्लॉक रिलेटिवली इसके आगे भागेगा, इस पर फ्रिक्शन कम लगेगा, इसका डिसेलेरेशन कम होगा इसलिए रिलेटिवली आगे जाएगा, और इस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा इसलिए रिलेटिवली पीछे छूटता जाएगा. फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द बिगर ब्लॉक. फाइंड द टाइम बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द बिगर ब्लॉक. अब देखिए इसमें हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहले हम दोनों ब्लॉक के बारे में देखते हैं. यह तो छोटा वाला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग से बनाते हैं, और यह बड़ा वाला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम अलग से बनाते हैं. छोटे वाले ब्लॉक के लिए mg नॉर्मल रिएक्शन N1, और यह आगे की तरफ जा रहा है. इनफैक्ट बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में यह आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि बड़े वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, वो पीछे रहता जाएगा, इधर फ्रिक्शन कम लगेगा, म्यू बाय टू है. तो बड़ा वाला ब्लॉक इसको आगे जाने से प्रिवेंट करेगा, और म्यू बाय टू एन वन इज इक्वल टू एम जी म्यू बाय टू एम जी से यह फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, और इसका जो एक्सीलरेशन ए वन रहेगा और यह कहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में ए वन एक्सीलरेशन होएगा, एंड दिस वुड बी म्यू बाय टू इंटू जी. दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द लार्जर ब्लॉक. दिस इज द सिचुएशन फॉर द स्मॉलर ब्लॉक. अब हम लार्जर ब्लॉक की बात करते हैं. लार्जर ब्लॉक के लिए एक तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन n1 इज इक्वल टू mg लगेगा, दूसरा कैपिटल mg, और इस वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन n2 होएगा, वेयर दैट n2 वुड बी रन एस n1 प्लस mg और स्मॉल m mg प्लस कैपिटल mg, और दिस n2 वुड बी स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू जी. इसके अलावा इस पर इस छोटे ब्लॉक के द्वारा इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू टू बाय टू इंटू एम जी. ये छोटे ब्लॉक पर ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, छोटा ब्लॉक इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा. टू एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन और म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी, और इस तरह से इसका डीसी रिलेशन पीछे की तरफ होगा ए टू.
इस तरह से इसका डिसीलेशन पीछे की तरफ होगा A2, और वहां डिसीलेशन हम निकाल सकते हैं म्यू म्यू एम प्लस एम जी माइनस म्यू बाय टू एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए टू। ये इसका एक्सीलरेशन ए टू, और इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। ए टू इज इक्वल टू म्यू जी, एम नीचे आ गया, म्यू जी प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू म्यू म्यू एम जी माइनस म्यू बाय टू एम जी, तो म्यू बाय टू एम जी, सो म्यू जी बाय टू। दिस इज एक्सीलरेशन फॉर द लार्जर ब्लॉक ए टू। ए वन का डिसीलरेशन यह है, दिस इज ए वन। अब मैं इधर दोनों का लिखता हूं, ए वन इज म्यू बाय टू इंटू जी एंड ए टू इज म्यू जी प्लस एम बाय 2m into mu g। अब what is acceleration of a smaller block with respect to the larger block? Smaller block का larger block के respect में acceleration क्या है? इसके लिए मैं क्या करता हूं, this minus this, this minus this, relative acceleration is a2 minus a1, mu g plus m by 2m mu g minus mu g by 2. So this is the relative acceleration, म्यू जी बाय टू और वन प्लस स्मॉल एम बाय टू एम इंटू एम बाय एम इंटू म्यू जी बाय टू। दिस इज द रिलेटिव एक्सीलरेशन। अब व्हाट आई विल डू इज I'll apply second equation of kinematics, S relative is equal to U relative into T plus half A relative into T square. S relative मैं अच्छी तरह से जानता हूं, it's equal to L, तो S relative की जगह तो L लिख देता हूं, is equal to u relative is 0, u relative is 0, so 0 into t plus half, a relative ki jagah m plus m by capital m into mu g by 2 into t square, and this would give me the final answer that time is under root of 4 ml upon 4 ml upon capital M plus small m into mu g. This is the time and this is the final answer. बड़े ध्यान से देखें, एंड
With that, I had finished the discussion of friction from HCV, this book. HCV से आपने मुझसे जितने doubts पूछे वो सारे सारे बता दिए. In fact, आखिरी के चार पांच सवाल तो बड़े अच्छे थे. ये भी सवाल बड़ा अच्छा है, बड़े ध्यान से देखने और समझने की आवश्यकता है. In fact, friction chapter अब मैंने पूरा करा दिया है, यह बड़े अच्छे level के साथ में complete हो चुका है. पर फिर भी मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, एक दो शीट दी हुई है और साथ में एक स्टडी पैकेज दिया हुआ है. दैट स्टडी पैकेज इज अ कंबाइंड स्टडी पैकेज फॉर न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन. न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन के लिए कंबाइंड मैंने पैकेज दे रखा है. मैं चार पांच दिन और दे देता हूं, आप उस पैकेज को पूरा कर लीजिए. उसमें जो भी डाउट आप पूछेंगे, एक दो या तीन जितने भी डाउट आप पूछेंगे, मैं उनको डिस्कस कराऊंगा. एंड विद दैट आई विल डिक्लेयर द फिनिश ऑफ द चैप्टर. एनीवे, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों चैप्टर पूरी तरह से आज फिनिश हो चुके हैं. फिर भी यदि आपके कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछना. एक दिन में जरूर डिक्लेयर कर दूंगा, आधे पौन घंटे एक घंटे दे दूंगा और उसमें आपके डाउट सारे डिस्कस करा दूंगा. इसे नोट डाउन करिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आगे के चैप्टर अच्छी तरह से पढ़िए. बाय बाय.